नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में एग रोल। तो चलिए हम देख लेते हैं, एग रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 5 अंडे ले लिया है हमने। अंडे आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक प्याज हमने फाइन चॉप करके रखा हुआ है। एक गाजर जिसे हमने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे काट के रखा है। और चाहिए हमें थोड़ा सा धनिया पत्ते। एक तिहाई चम्मच हमने नमक ले लिया है। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर। एक तिहाई चम्मच हमने चिली फ्लेक्स ले लिया है। और एक तिहाई चम्मच हमने ओरिगेनो ले लिया है। चिली फ्लेक्स ओरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। हम 2 बाउल ले लेंगे क्योंकि हमें अंडे का येलो और वाइट योग अलग करना है। हम वाइट वाला एक में रखेंगे और येलो वाला अलग। सभी अंडे को हम ऐसे ही अलग कर लेंगे। दोनों योग को हमने अलग रख लिया है। अब हम जो यहाँ पे सामान है, हम आधा आधा करके दोनों में ऐड करेंगे। नमक, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, गाजर, प्याज और धनिया भी। अब दोनों चीजों को हम अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। फ्रेंड्स, रेसिपी देखिए, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये मिक्स हो गया। अब हम येलो वाले को भी अच्छे से फेंट लेंगे। लीजिए, दोनों बैटर हमारा अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। एक हमने पैन रख लिया है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्रश से तेल। पैन को हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे पहले। और ये जो हमारा अंडे वाला बैटर है, ये हम एक स्पून की मदद से इसमें डालेंगे। देखिए, एक चम्मच फैला लेंगे हम। थोड़ा सा इस तरीके से हम स्पैचुला से साइड में कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो पे रखा है अभी। देखिए, और हम थोड़ा सा नीचे सीक जाने देंगे। एक मिनट बाद नीचे की तरफ सीक गया है। अब हम इसे रोल करेंगे। देखिए, इस तरीके से प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा हम टाइट इसे फोल्ड करेंगे और इसे हम साइड में ले आएंगे। थोड़ा सा तेल और लगा देंगे हम।
फिर से हम इसमें बैटर डालेंगे, येलो वाला योग। फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से। थोड़ा सा हम सेंटर में डालेंगे और इसे हम एक मिनट देंगे जिससे ये भी अच्छे से सीख जाए। एक मिनट बाद हम फिर से इसे रोल कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे और जो लास्ट का हमारा बैटर बचा हुआ है वो ऐड करेंगे। कुछ सेकंड हम रुकेंगे सीख जाने तक। एक मिनट बाद फिर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे इसे, जगह बना लेंगे। फिर से हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब हम व्हाइट वाला योग जो है उसे हम डालेंगे। साइड में फैलाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसे अच्छे से सीखने तक वेट करेंगे। एक मिनट बाद हम इसे रोल कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो लास्ट का बैटर है हमारा एक बारी में हम डाल देंगे। थोड़ा सा हल्का तेल लगा लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हम अच्छे से सीक जाने देंगे। एक मिनट बाद हम फिर से इसे रोल कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। थोड़ा सा हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा एग रोल बनके तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स हमारे एग रोल बनके तैयार है। अब मैं आपको काट के बताती हूँ। स्लाइस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो आप ये एग रोल ऐसे भी खा सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक डिजाइन बताती हूँ कि ऐसे आप बच्चों को देंगे तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। तो एक पीस हमने वहां से उठा लिया है, इसे हम इस तरीके से रखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ और इसे हम ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके कट लगाएंगे। देखिए अब हम ये जो दूसरे वाला पीस है इसे हम इस तरीके से रख देंगे। जो साइड में हमारा गाजर और प्याज निकल गया इसे फेंक देंगे। देखिए बिल्कुल दिल के शेप में हमारा एग रोल बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स चाहे तो आप ऐसा डिजाइन करके भी सर्व कर सकते हैं।
रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मेरे रेसिपी को शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे नीचे दिए गए मेरे चैनल के लोगो में आप क्लिक कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरे चैनल के दूसरा वीडियो देखने के लिए आप अपने राइट में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।